हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का लेमन ड्रिजल केक, जो कि बहुत मज़े का होता है। थोड़ा उसमें लेमनी फ्लेवर होगा, थोड़ा सा टेंगी होगा, थोड़ा सा स्वीट होगा, बहुत स्पंजी और सॉफ्ट होगा। और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और आप जब इसे घर में बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। और जब पसंद आएगा तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है। इसके अलावा नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना लेमन ड्रिजल केक। केक बनाने से पहले हम अपने अवन को प्री हीट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 180 सेंटीग्रेड पे। और मैंने तकरीबन 40 मिनट्स पहले 180 सेंटीग्रेड पे अपने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब अपने लोफ पैन को तैयार कर लेंगे। एक लोफ पैन लेंगे और इसमें पेपर लगा लेंगे। अब जो चीज़ें चाहिए, सेल्फ रेजिंग फ्लावर है 125 ग्राम, 1 टेबल स्पून लेमन जेस्ट है, 3 एग्स हैं और 60 ग्राम शुगर है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। 125 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, 125 ग्राम ऑयल है। अब एग्स को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। शुगर भी इसमें मैंने ऐड कर दी है, और ऑयल, शुगर और एग्स इनको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, वो भी इसमें शामिल कर लिया है, और थोड़ा सा और बीट करेंगे। अब लेमन जेस्ट चला जाएगा 1 टेबल स्पून जो था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट और बेकिंग पाउडर और फ्लावर को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था, और अब इसको मैंने बोल में डाल लिया है। और अब इसको हल्के हाथों के साथ इसको फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला के साथ। पहले मैंने इसको बीटर से थोड़ा सा मिक्स किया था, उसके बाद मैंने स्पैचुला एक लिया और उससे मैंने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लिया। अब जो हमारा जो टिन है वो रेडी है पहले से। और आपने ये ज़रूर करना है कि आपने बटर पेपर लगा लें या इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें और फिर इसमें बैटर डालें। अब इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि किसी भी किस्म के एयर बबल्स या एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अब मैंने इसको अवन में रख दिया है, और तकरीबन 30-40 मिनट्स के बाद ये बेक हो जाएगा। और 30-40 मिनट्स हो गए थे, अब मैं इसे अवन में से निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, इसको छोड़ देंगे। इतनी देर में हम एक लेमन और शुगर ड्रिजल तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस है और 1 टेबलस्पून शुगर है, और ये एक लेमन शुगर सिरप बन जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हमारा जो लेमन जूस है वो ये फ्रेश लेमन जूस है और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। केक भी हमारा तकरीबन अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया था। अब इसको एक स्टिक लें या टूथपिक लें, उससे थोड़ा सा पोक कर लें और इस पे हम ये अपना लेमन शुगर जो हमने सिरप बनाया है इसको इस पे ड्रिजल कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि शुगर बिल्कुल लेमन जूस में डिज़ोल्व हो जाए। और अब इसको हम केक के ऊपर डाल देंगे। आपने इतना डालना है, उसको नहलाना नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट और अजीब सा वो हो जाए। बस इतना इसमें डालना है कि इसमें लेमन का एक मज़ेदार सा टैंगी सा फ्लेवर आ जाएगा, और ये बिल्कुल एक मॉइस्ट आपका केक बन जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब ये और थोड़ा ठंडा हो गया था, इसको मैंने निकाल लिया है, और अब इसका बटर पेपर से इसको हटा देंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये बटर पेपर से निकल आता है। और अब इतनी देर में अब हमने क्या करना है कि हमने आइसिंग शुगर ली है। आइसिंग शुगर मैंने ली है 50 ग्राम, और इसमें 2.5 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। और ये हमारी एक लेमन फ्रॉस्टिंग या आइसिंग कह लें आप, आइसिंग हमारी तैयार हो जाएगी, और उसके बाद ये आइसिंग हम अपने केक के ऊपर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और आपने इसमें रेगुलर शुगर यूज़ नहीं करनी, आइसिंग शुगर यूज़ करनी है, ग्लेज है ये, और फ्रॉस्टिंग की तरह इसको हम केक पे डालेंगे और इस तरह डालते जाएंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल एक तो इसी तरह ही नज़र आएगा, और जब आप इसे काटेंगे और खाएंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बेकरी से कभी भी लेमन ड्रिजल केक नहीं खरीदेंगे, खुद घर में बनाएंगे और खाएंगे। और मुझे तो पर्सनली वैसे ही जो घर में बनी हुई चीज़ें हैं मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो ये कि बहुत आपने खुद बनाई हुई होती हैं, आपको पता होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, हाइजीनिक तरीके से बनी हुई हैं।
लीजिए, हमारा केक रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ और ये देखिए कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी और टेस्टी केक है, ये देखिए। अब अपनी मर्जी से आप इसको स्लाइस कर सकते हैं, जितने साइज का आप स्लाइस करना चाहते हैं करें और इन्जॉय करें। मैंने इस पे थोड़ा सा लेमन जेस्ट केक के ऊपर भी डाल दिया था क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, एक तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।